दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो चुका है और अगर आप डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस के लिए अगर आप एक ईमेल करना चाहते हैं तो उसके लिए एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी फिलअप किया जाता है, जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम होगा। तो आज की इस वीडियो में हम दिखाने वाले हैं कि डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस के लिए सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है। जब तक आप सही तरीके से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल नहीं करेंगे और अगर आप ईमेल कर देते हैं तो यहाँ पर आपका लिमिट क्रॉस अवेलेबल नहीं किया जाएगा। तो आपको सबसे पहले सही तरीके से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। तो कैसे आप फिल कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम लाइव प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपका डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो चुका है तो उसके लिए आपको कैसे ईमेल करना है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा और आपके पास क्या डॉक्यूमेंट आईडी प्रूफ होना चाहिए, तो उसके ऊपर हमने एक पहले से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो में हमने नहीं दिखाया था कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिलअप किया जाता है, इसलिए इस वीडियो में हम आप लोगों को दिखा रहे हैं लाइव प्रोसेस। उस वीडियो में भी हमने दिखाया था कि कैसे आपको अप्लाई करना है, तो फटाफट जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को तो दोस्तों आधार DOB लिमिट क्रॉस के लिए आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। इस फॉर्म का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो फॉर्म है वो हिंदी में यहां पर हमने ओपन किया हुआ है, अगर आपको इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश का भी लिंक आपको मिल जाएगा। यहां पर हम हिंदी में आपको फिल करके दिखाने वाले हैं, पूरा समझ में आ जाएगा कि आधार DOB का जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है वो कैसे फिलअप किया जाता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है जो भी हम आपको बताने वाले हैं। अगर आप हिंदी से फिल करना चाहते हैं तो हिंदी में आप फिल कर सकते हैं, और अगर आपको इंग्लिश में टाइप करना है तो आप इंग्लिश में भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने हिंदी का जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको हमने ओपन किया हुआ है। तो अगर आप हिंदी का फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पर आपको हिंदी में सभी डिटेल्स फिल करना पड़ेगा, और अगर आप इंग्लिश का फॉर्म में फिल करते हैं तो वहाँ पर आपको इंग्लिश में टाइप करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम हिंदी का ओपन किए हैं लेकिन इंग्लिश में एग्जाम्पल के लिए हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में फिल नहीं करना है, आपको हिंदी में यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रख लेना है, सिर्फ हम आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हमने इंग्लिश में टाइप कर लिया है क्योंकि हमारे पास अभी हिंदी टाइपिंग अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम आपको इंग्लिश में यहाँ पर हमने फिल कर दिया है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना नाम फिल करना है, यानी जिसके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस हो चुका है उसका नाम यहाँ पर आपको टाइप करना है। उसके बाद यहाँ से पुत्र, पुत्री, पत्नी मिल जाता है, यहाँ पर अपना फादर या मदर का नाम टाइप करेंगे जो भी आधार कार्ड में होता है, गार्जियन के तौर पर फादर, मदर या फिर वाइफ है तो यहाँ पर पति का नाम टाइप हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस को यहाँ पर फिल करेंगे, जो भी आपके आधार कार्ड में एड्रेस है उसको यहाँ पर आपको कम्प्लीटली टाइप कर देना है। अब दोस्तों यहाँ से आपको अपना आधार नंबर को फिल करना है, जो भी आपका आधार नंबर है वो यहाँ पर इंटर कर देंगे। यहाँ पर दूसरा जो पॉइंट दिया गया है, देख सकते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें ये लिखा हुआ है कि यह कि प्रार्थी की सही जन्म तिथि जितना है आपका जो सही डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर आप टाइप करेंगे। यहाँ पर आपको वो डेट ऑफ बर्थ फिल करना है जो आप करेक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, यानी डेट ऑफ बर्थ का जो लिमिट क्रॉस हो चुका है उसके बाद आप जो नया डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करना चाहते हैं, जो आपका सही डेट ऑफ बर्थ है उसी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आपको इंटर करना है, जैसे कि हमने इंटर किया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर। अब यहाँ से आपको टाइप करना है फिर से अपना आधार नंबर, देख सकते हैं हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए फिल किया हुआ है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना गलत डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आप टाइप करेंगे जो आपके आधार कार्ड में अभी फिलहाल है, ठीक है, जो आपके आधार कार्ड में अभी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको इंटर कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये लिखा हुआ है यह कि प्रार्थी अपने आधार में पूर्व में किए गए अपडेट के बावजूद दर्ज जन्म तिथि यही है, ठीक है, यानी कि जो आपके आधार कार्ड में अभी डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, जैसे कि यहाँ पर हमने गलत में भी वही टाइप किया हुआ है और जो अभी हमारे आधार कार्ड में है डेट ऑफ बर्थ वही हमने टाइप कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर और यहाँ पर आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर आपको अपना वो डेट ऑफ बर्थ फिल करना है जो आपका सही डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो देख सकते हैं स्टार्टिंग में हमने सही डेट ऑफ बर्थ फिल किया हुआ है और लास्ट में जो आप डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे उसमें भी आपका सही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको टाइप कर देना है, ठीक है, जो कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देख सकते हैं, स्थान पर सही जन्म तिथि अपडेट करना चाहते हैं जिस दस्तावेज प्रस्तुत कर रहे हैं। होता है क्या है कि जब आपका डेट ऑफ बर्थ में लिमिट क्रॉस हो जाता है तो उसमें आपका सिर्फ एक ही प्रूफ लिया जाता है, ठीक है, जो कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप हिंदी फॉर्म को फिल करते हैं तो यहाँ पर आपको क्या फिल करना है, जन्म प्रमाण पत्र को टाइप करना है, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे आना है जिसमें यहाँ पर आपको इस सेकंड में एक ऑप्शन दिया गया है,
प्रस्तुत जन्म तिथि अपडेशन अनुरोध द्वितीय अथवा अधिक बार, यानी का मतलब ये हो रहा है कि हमने अपने आधार कार्ड में दो बार से अधिक अपडेट करा लिया है डेट ऑफ बर्थ, जो कि हमारा लिमिट क्रॉस हो चुका है, अब हमारा अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हम अनुरोध करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है देख सकते हैं अनुरोध। ठीक है, तो आपको ये सेकंड वाले ऑप्शन में यहाँ पर साइन का टिक लगा देना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको नीचे आना है। अब यहाँ से आपको अपना डेट को फिल करेंगे, यानी जिस डेट में आप ईमेल करते हैं डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस के लिए उसको यहाँ पर आपको फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर निवासी का नाम टाइप करना है, यानी जिसका डेट ऑफ बर्थ लिमिट के लिए आप इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस एप्लीकेंट का नाम यहाँ पर टाइप कर देंगे। उसके बाद उसका यहाँ से सिग्नेचर रहेगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है माता पिता अभिभावक अब वयस्क के मामले में। ठीक है, अगर ऐसा प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर इसका भी सिग्नेचर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आपको सही तरीके से फिल करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करना है। यहाँ पर अगर आप हिंदी में फिल करते हैं तो आपको हिंदी में ही यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स फिल करना है। ठीक है, और अगर आप इंग्लिश फॉर्म फिल करते हैं तो आपको इंग्लिश में ही आपको यहाँ पर पूरा फिल कर देना है। ठीक है, तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिलअप किया जाता है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले टाटा बाय बाय।